हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। यदि दोस्तों आप भी विदेश विदेश गल्फ कंट्री में जाकर पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। हम नए नए जॉब एवं नए नए सर्विस के बारे में बताते रहते हैं ताकि हमारा कोई भी व्यूवर्स गल्फ कंट्री में जाकर अच्छा खासा पैसा कमा सकता है, चाहे वो लड़की रहे चाहे वो लड़का रहे। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में कैसे हमें जॉब लग सकती है, कहाँ कहाँ जॉब लग सकती है, कितना कितना हमारी सैलरी होती है, कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिस प्रकार से आप भी कभी भी ऑस्ट्रेलिया कंट्री में जाने का सोच रहे हैं और एक बेहतर जिंदगी बिताना चाहते हैं ऑस्ट्रेलिया कंट्री में, तो दोस्तों हमारे इस चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं अनेक प्रकार से अलग अलग कंट्रिया में नए नए जॉब के बारे में बताते रहते हैं। आज दोस्तों मैं बताऊंगा कौन ऐसी वेबसाइट है, कौन कौन ऐसे तरीका है जिसमें ऑस्ट्रेलिया में जाकर आप अच्छा खासा पैसा इनकम बना सकते हैं और अपनी लाइफ को अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। आइए दोस्तों हम बताते हैं ऑस्ट्रेलिया में जॉब पाने के लिए क्या क्या तरीका है, क्या क्या मतलब बातें हैं, कैसे कैसे जॉब मिलती है। जो पहला तरीका है, जैसे कि पहला, किसी भी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन जॉब खोजना, किसी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन मतलब जॉब खोजना। और दूसरा जॉब है जो मतलब वर्क परमिट वीजा किसी कंपनी से लेना, किसी एजेंट से लेना, और परमिट वीजा मतलब वर्क परमिट वीजा किसी एजेंट के थ्रू लेकर ऑस्ट्रेलिया में जाकर काम करना। और पहला है किसी तरीका है, मतलब बहुत ऐसे वेबसाइटियां हैं जिसमें ऑनलाइन जॉब खोजना। और तीसरा तरीका है किसी रिश्तेदार संगतिया यार हित मित दोस्त से, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं वह आपको जॉब लगा दें या चाहे आप उनकी मदद से जॉब कर लें। तो ये तीसरा तरीका हो गया। तीन तरीका है, पहला किसी वेबसाइट पर, बहुत ऐसे वेबसाइट हैं जो जॉब खोज सकते हैं। दूसरा तरीका है किसी कंपनी में ट्रेनिंग देकर वर्क परमिट वीजा लेना किसी एजेंट के थ्रू। और तीसरा है किसी रिश्तेदार हित मित से, उनसे कहकर वीजा अप्लाई कराना। ठीक है, अब हम बात कर लिया जाए तीनों में से हमें जॉब कैसे मिलेगा। पहला नंबर, आपको इंग्लिश और थोड़ा बोलने आए, हिंदी थोड़ा जानने आए, इंग्लिश में थोड़ी बातें करने आए, पहला हो गया। दूसरा हो गया, बात करने का सही ढंग तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया कंट्री में रहे चाहे कहीं भी रहे, थोड़ा आपका दिमाग चंचल होना चाहिए। तीसरा, यदि आप कंप्यूटर जैसे कि कंप्यूटर चलाते हैं, कंप्यूटर में क्या बोला जाता है, हर चीज आपको नॉलेज है, जैसे टाइपिंग करना, लिस्ट बनाना, लिस्ट निकालना, कुछ पैसे हिसाब किताब जोड़कर किसी फाइल में रखना, किसी दफ्तर में कुछ कागज पत्र का बाय टू डेटा कंप्यूटर में छिपाना, तो ऐसे भी मतलब मैं बता रहा हूँ क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे जॉब लगती है। ठीक है, फिर आ गया इसमें दोस्तों, आप कभी ऐसा मतलब गंदा हरकत ना करें, चोरी ना करें, किसी को मारपीट ना करें, ये सब गुण नहीं होना चाहिए। अगर जॉब पाना है तो ड्राइविंग भी आना चाहिए आपको, जैसे कि ड्राइविंग चलाना आता हो, गाड़ी चलानी आती हो, इस प्रकार से आप आसानी तरीके से जॉब पा जाते हैं, जैसे कि उनको गाड़ी भी चलाने आता हो। और फिर आ गया पांचवा, जिसमें कुकिंग, उनको खाना भी अगर बनाने आता है तो भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब आसानी तरीके से लग जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, फिर आ जाइए नॉर्मल में, जैसे कि फुल वर्क परमिट वीजा, जैसे कंडक्शन मकान में जॉब लगाना, जॉब करना, गाड़ी मोटर मैकेनिक इंजीनियर या चाहे कह सकते हैं मोटर मैकेनिक हेल्पर, कोई भी वर्क परमिट ले जाकर काम कर सकता है। फिर आ गया रिफ्रेन, उसके बाद गाड़ी उतारना, गाड़ी पे माल लादना, ये सब भी जॉब जो हार्ड वर्क में आता है वह ये सब वीजा वर्क परमिट ले जाकर और वर्क परमिट ले जाकर ये सब काम कर सकते हैं। स्कूलिंग वीजा पाते हैं तो ये नॉर्मली काम, जैसे कि कंप्यूटर चलाना, कंप्यूटर से संबंधित आपको कोई जानकारी हो, इंग्लिश बोलने आए, मुंशीगिरी कर सकते हैं, आपको गलत व्यवहार और गंदी विचार नहीं होना चाहिए, आप ड्राइवर भी रह सकते हैं, आप कुकिंग भी रह सकते हैं, नॉर्मली काम। हार्ड वर्क के लिए वर्क परमिट वीजा आपको जरूरी है। फिर दोस्तों आ जाइए इसमें और कौन कौन सी जॉब है, जैसे कि आपको बहुत इजीली मिल जाती है, चाहे लड़की रहे चाहे लड़का रहे, जैसे कि पहला क्लीनिंग सफाई की जॉब मिल सकती है, गाड़ी पोंछने और धोने की जॉब मिल सकती है, घर द्वार सफैया करने की जॉब मिल सकती है, वॉचमैनी की जॉब मिल सकती है, स्कूल रहे चाहे बंगला रहे चाहे कोई सिटी मॉल रहे। और तीसरा काम जो चौकीदारी कह सकते हैं, जिनको घर रखाने का काम भी मिल जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में जाने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको बोली व्यवहार बहुत संपन्न रहना चाहिए। तो दोस्तों आशा और उम्मीद करूंगा कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, तो अपने दोस्तों के तक शेयर जरूर करिएगा। मैं नए नए जॉब एवं नए नए सर्विस के बारे में आपको बताते रहता हूँ।